बॉलीवुड इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेता जो ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन, एक विलेन, एक पिता के रोल में बखूबी जचते नजर आए, बल्कि एज अ स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने काम से हमेशा तारीफें लूटी। बॉलीवुड में अगर कॉमर्शियल सिनेमा की बात करें तो इस सिनेमा को कॉमर्शियल एंगल पर हमेशा फायदा दिलाने वाले दिग्गज अभिनेता कादर खान की कमी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा बनी रही। कादर खान का इस कदर बॉलीवुड को छोड़ देना, हम सबसे दूर चले जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति से कम नहीं, ये सभी जानते हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड सितारों की आंखें नम होने से नहीं रुक रहे। शक्ति कपूर, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्में कादर खान के साथ की, यही वजह है कि कादर खान को लेकर शक्ति कपूर की बातें कम नहीं हो रही। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपके बीच लेकर आए हैं कादर खान से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई जिससे आपको हम कराना चाहेंगे। अब कादर खान की जिंदगी के बारे में कई ऐसे किस्से हैं जो हमेशा अनसुने पहलुओं में बने रहे हैं, जिसके बारे में लोग शायद जान न पाए हो। ऐसे हिडन सीक्रेट्स बॉलीवुड के, जिसमें कादर खान की जिंदगी के भी कई किस्से लोगों के बीच सामने नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई ऐसे राज हैं जो कि आपको रुला सकते हैं, उनके चाहने वालों को रुलाते रहेंगे। क्योंकि कादर खान एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने जिंदगी के कभी भी आखिरी पल को आखिरी नहीं समझा था। जिंदगी के हर पड़ाव में दर्द का सामना करने वाले कादर खान आखिरी समय भले ही अकेले हो, लेकिन वो बॉलीवुड में वापस लौटना चाहते थे। उनकी ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी भले ना हो पाई हो, लेकिन वो इच्छाएं बॉलीवुड को एक और ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए थी। वो कादर खान जिन्हें भले ही ना मिला हो पद्मश्री सम्मान, लेकिन पद्मश्री को लेकर कादर ने कभी भी अपनी नाराजगी नहीं जताई। कादर खान जो भले ही तरसते रह गए हो उस सम्मान के लिए, भले ही बॉलीवुड में लौटने के लिए तरसते हुए चले गए हो, लेकिन बॉलीवुड में उनका ना लौटना बॉलीवुड सितारों के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती बनी, क्योंकि कादर खान बॉलीवुड को सिर्फ देने के बारे में सोचते रहे। आइए जानते हैं कादर खान से जुड़ी वो बातें जिसके बारे में अब तक लोगों को कुछ मालूम शायद ना हो। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकारों में शामिल कादर खान के बारे में आपको ये बात मालूम ही होगी कि कादर शुरुआत से ही अवार्ड लेने पर उतना विश्वास नहीं रखते थे, और वही सच्चाई कादर खान की हाल ही में सामने आई। कादर खान के बारे में ये बात आपको भले मालूम ना हो, लेकिन ये बिल्कुल कड़वा सच है कादर खान से जुड़ा। कादर खान के बारे में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि कादर खान जो कि कनाडा में ही अंतिम सांसें लेकर सबसे दूर चले गए, उन्होंने पद्मश्री सम्मान ना पाने पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था अपने चाहने वाले और बॉलीवुड कलीग्स के बारे में, उन्होंने बताया था वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं कि लोगों ने अपील की, उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान मिले, इसके लिए उनके नाम को सामने लाया गया। हालांकि पद्मश्री सम्मान कभी भी नहीं दिया गया कादर खान, जिसके लिए पूरी उम्र शायद तरसते रह गए कादर खान। इस बारे में कादर का कहना था, इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट आई हैव डन गुड वर्क इट विल बी ऑनर्ड मी, इट्स पीपल्स लव दैट दे आर डिमांडिंग इट फॉर मी। ये कादर खान ने तब कहा था जब उन्हें डिमांड के मुताबिक उनसे डिमांड किया गया था। जी हाँ, कादर खान से डिमांड भले ना किया गया हो, लेकिन कादर खान को लेकर डिमांड किया गया था उनके चाहने वालों की तरफ से, बॉलीवुड के उनके उन सह कलाकारों की तरफ से, कि उन्हें पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया जाए। हालांकि 81 साल की उम्र में लगभग 700 फिल्मों में अपने अहम योगदान के लिए जाने जाने वाले कादर खान बिन इस अवार्ड के, बिना इस सम्मान के चल पड़े। खैर, सम्मान भले ना मिला होने, लेकिन दिल में जो सम्मान उन्होंने बटोरी लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में,
इसमें कोई शक नहीं कि कादर खान के चाहने वाले हमेशा उन्हें सम्मान देंगे। हमेशा से ही स्क्रीन राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, कंटेंट को स्ट्रांग बनाने की बात करने वाले कादर खान, जिन्होंने की थी बात वापस लौटने की। वापस लौटने के लिए क्यों तड़पे थे कादर खान, ये आपको मालूम भले ना हो, लेकिन बदलना चाहते थे कादर खान बॉलीवुड के कंटेंट को, वो सब कुछ जो कि कादर खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जी हाँ, एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था, आज की बॉलीवुड काफी ज्यादा बदल चुकी है। आज की फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट नहीं बल्कि सुपरस्टार्स पर गौर किया जाता है, कंटेंट में ध्यान देने की जरूरत है। अगर माने उन खबरों की तो कादर खान का कहना था कि वो वापस लौटना चाहते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि जो कि भले ही पूरी तरह से जमीन पर ना आई हो, लेकिन जो छवि अब बन रही है उससे वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। कादर खान लौटना चाहते थे। वहीं कॉमेडियन शक्ति कपूर ने भी यही बात कही थी कि कादर वापस लौटना चाहते थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से कमबैक करना चाहते थे। बता दें, आखिरी बार कादर खान साल 2015 में इंटरव्यू देते नजर आए थे, जिन्होंने ओम पुरी के साथ फिल्म की थी, जिसके बाद कादर खान अपनी दो फिल्में भी लेकर आने वाले थे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्ट्रॉन्ग कंटेंट को लेकर बात करने वाले कादर खान लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए और ना ही वो लोगों के लिए वो कंटेंट ला पाए दोबारा लौट कर, जिसका इंतज़ार सभी को रह गया, जिसके लिए वो खुद भी तरसते रह गए दोबारा दिलों में वही जगह बनाने के लिए जो सालों पहले उन्होंने बनाई, और बॉलीवुड इंडस्ट्री की जगह लोगों के दिलों में फिर भरने के लिए। वो जगह बॉलीवुड में कादर खान नहीं बना पाए लौटकर, जो उन्होंने हमेशा बना रखी थी, उस कंटेंट पर काम करने के लिए तरसते रह गए कादर खान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कादर खान का वो आखिरी इंटरव्यू जिसमें वो 3 साल पहले घुटते नजर आए थे। ये तो आपको मालूम है कि कादर खान अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कादर खान के बारे में ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि कादर दर्द भरे राज से पर्दा 3 साल पहले ही उठा चुके थे, जो कि व्हीलचेयर पर बैठे थे, जिनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था उनका बीमारी के तकलीफ का उनकी ज़िंदगी में आना, जिनकी अधूरी रह गई थी वो ख्वाहिशें जो कि उन्होंने देखे थे सपने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। दो फिल्म परछाई और सबा, मेरी सबा, ये दो फिल्म कादर खान करना चाहते थे। ऐसी माने अगर इंटरव्यू की तो उस इंटरव्यू में, आखिरी इंटरव्यू में 3 साल पहले यानी कि साल 2015 में, कादर जो कि बोलने में तकलीफ का सामना कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों को लेकर बात की थी। खैर, आपको बता दें, हो गया ना दिमाग की दही, फिल्म के इंटरव्यू के दौरान ही, फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तब उन्होंने अपने परिवार और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई बातें की थी। तब उन्हें बात करने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उनकी बातें अगर आप सुने तो आप भी रो पड़ेंगे। जिस तरह से बोलते हुए लड़खड़ा रहे थे कादर खान, उनकी तकलीफ साफ इस बात को बयां कर रही थी कि 3 साल से घुट रहे थे कादर अपनी बीमारी के दर्द से, जो सबके बीच रहकर भी सबके बीच नहीं, अस्पताल में अपनी बीमारी से लड़ते रहे। वेल, ये था हमारा शो कादर खान को लेकर, फिल्मी सितारों के बीच कादर खान की पहचान जो बेहद खूबसूरत रही, जिसके बारे में हमने बात की कि कादर खान तरसते रहे वापस लौटने के लिए। इंडियन सिनेमा के कंटेंट पर बात करने वाले, स्क्रीन राइटिंग पर बात करने वाले और स्क्रिप्ट पर बात करने वाले कादर, जिन्होंने सलमान और शाहरुख का खुलेआम नाम लेकर उनकी फिल्मों पर निशाना साधा। सलमान खान और शाहरुख की फिल्में जिसकी कंटेंट पर कादर खान ने अपनी बातें रखी बड़ी ही मजबूती के साथ। वो कादर जो कि 81 की उम्र में अपनी दिमागी स्थिति भले ही खराब होने की वजह से हम सबको छोड़ दिया हो, लेकिन उनका साथ हमेशा बॉलीवुड से जुड़ा रहेगा। बॉलीवुड की कामयाबी की जब भी बात होगी, 80 के दशक से लेकर 90 के दशक की मशहूर हिट फिल्मों की जब भी बात होगी,
अमिताभ बच्चन के मेगा स्टार होने की जब भी बात होगी, गोमिदा के गोविंदा के कॉमेडी फिल्मों की जब भी बात होगी, कादर खान का नाम हमेशा ऐसे ही शुमार होता रहेगा। खैर, वक्त आ गया है अब यहीं पर आपसे विदा लेने का। फिलहाल के लिए हम शो का करते हैं द एंड, लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के साथ। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से कादर खान की आत्मा को शांति मिले, सिर्फ यही है नेक्स्ट 9 न्यूज़ के परिवार की तरफ से दुआ। नमस्कार।